जैिंद इस वीडियो में मैं आपके लिए जो भी ट्वेल्व क्लास के पोएट्री सेशन से, से चैप्टर हैं वन टू टेन हालांकि मैंने दो चैप्टर छोड़ा है वो भी इसके बाद मैं बनाऊंगा ठीक है इसमें आठ चैप्टर हमने लिया है और छोड़ा है हमने चैप्टर दो एक छोड़ा है हमने आ, स्नेक एंड एक छोड़ा है फायर हाइम ठीक है उसको भी मैं अगले सेशन में करने वाला हूँ तब तक इस सेशन में हम लोग देखेंगे एट्थ चैप्टर के वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन की ये 2022 के लिए जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है काफ़ी यूजफुल होने वाला है सबसे पहला चैप्टर है विनो वेरी वेल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और जिसके राइटर क्या है जॉन डॉन ठीक है ना तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय तो कौन किसने लिखा है जी तो आपको भी मालूम होगा कि जॉन्डन इसके राइटर हैं तो जॉन्डन विल बी द राइट आंसर ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ब्लैंक हिज बिलव्ड ठीक है मतलब पोएट जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो क्या है टायर्ड ऑफ सैड फॉर एंग्री विथ हैप्पी फोर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ध्यान देने वाला बात है सैड फॉर यहाँ द पोएट इन स्वीटिस्ट क्लब आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज बी लव्ड एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है सैड फॉर हिज बी लव्ड ठीक है थर्ड जॉन डन इज जॉन डन इज मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवि थे ठीक है ना आध्यात्मिक यानी मेटा फिजिकल पोएट होगा ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है देख सकते हैं आप जॉन्डन वाज बॉर्न ऑन जॉन्डन वाज बॉर्न ऑन देखिए इनका जन्म हुआ था 1572 में ठीक है ना इनका जन्म कब हुआ था जी 1572 में पंद्रह में हुआ था इन्हें मेटा फिजिकल पोएट कहा जाता है मैंस पावर इज इसमें बताया गया कि मैंस पावर इज वेरी वीक क्या होता है जी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर मैन का जो पावर होता है ना वो काफी वीक uh, होता है ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सिक्स क्वेश्चन है वियरीनेस मीन्स वियरीनेस का मतलब होता है थकान टायर्डनेस क्या हो जाएगा टायर्डनेस ठीक है द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दो इसको दो को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसका मतलब ये मीनिंग पूछ रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम लोग दो को यू पढ़ते हैं आप भी ध्यान रखिएगा दो जहाँ जहाँ भी लिखा है उसको हम लोग यू पढ़ते हैं ठीक है ना एंड एट जो क्वेश्चन है इसका इफ द इफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द स्पीकर बिलव्ड इज साइन अवे ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमारा जो आंसर होगा द स्पीकर सॉल्व सा आत्मा ठीक है ना यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है ना सोल आत्मा करा कि स्वीटेस्ट द स्पीकर्स बिलव्ड साइन अवे ठीक है ना तो क्या हो जाएगा द स्पीकर्स सोल हो जाएगा सेकेंड चैप्टर से अब देखते हैं जो भी पांच छः ऑब्जेक्टिव चार पांच जो भी इंपॉर्टेंट है यानी सेकेंड चैप्टर हम लोग का है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहला क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है जी तो वाल्ट विटमैन है ठीक है ना वाल्ट विटमैन इसमें आप पढ़े होंगे जब तो आपको पता होगा कि वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है ध्यान रखिएगा कि इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है ठीक है ना पीपुल्स पोएट टेन नंबर क्वेश्चन द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक फॉर हिम सेल्फ खुद के लिए क्या करते हैं जी गाते हैं खुद के लिए खुद के लिए गाते हैं कहते हैं कि आ, मतलब ये अपने आप के लिए गाते हैं और पोएट क्या कहते हैं कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड अप विथ सेम एटम सेम ब्लड ध्यान रखना है इलेवन क्वेश्चन वर्ल्ड विटमैन इज ब्लैंक पोएट कहाँ के पोएट थे जी तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर या आपको ध्यान होगा वाल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट थे कहाँ के पोएट थे अमेरिकन द राइटर इज थर्टी सेवन ईयर ओल्ड ठीक है ना इस चैप्टर में बताते हैं कि राइटर थर्टी सेवन ईयर ओल्ड के हैं अभी भी अपने आप को कैसा फील करते हैं एकदम हेल्दी फील करते हैं ठीक uh, है ना और थर्टीन क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो स्पीकर कौन है जी खुद वाल्ट विटमैन ही है ठीक है ना वाल्ट विटमैन हाउ ओल्ड इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कितने वर्ष के हैं तो थर्टी सेवन ईयर दो बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ठीक है थर्टी सेवन ईयर विल बी द राइट आंसर अब हम लोग देखते हैं थर्ड चैप्टर नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट ठीक है आप कमेंट करके बताइए कि किसी भी चैप्टर में यदि आपको दिक्कत सॉरी किसी भी क्वेश्चन में तो बताइएगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है जी डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है यानी विस्टन हग ऑर्डन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इनका पूरा नाम विस्टन हग ऑडन ऑर्डन ऑर्डन था ठीक सिक्सटीन डब्ल्यू एच ऑर्डन इज कैसा पोएट थे जी ए मॉडर्न पोइट क्लासिकल पोइट मेटाफिजिकल पोइट या नन ऑफ दिस दिस चैप्टर ये मॉडर्न पोएट है ठीक है ना मॉडर्न पोइट है सेवनटीन क्वेश्चन देख सकते हैं आप सेवनटीन क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नाउ द लिव आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट किसको सजेस्ट करता है जी की नाव द लिव सर फॉलोइंग फास्ट इराइवल ऑफ ओल्ड एज जो दिया हुआ है एंड डेथ इसी के बारे में ये लाइन लिखा गया है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है यानी अब मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा है मृत्यु की ओर यानी उसका एज अब ओल्ड होते जा रहा है और अब वो डेथ की ओर जा रहा है ठीक है हु आर द विस्परिंग नेबर्स इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फर्स्ट विस्परिंग नेबर कौन है जी तो विस्परिंग नेबर कौन है एंजल ऑफ डेथ मौत के सौगा सौदागर जिसे कहते हैं विस्परिंग नेवर ठीक है ना इसे और भी क्वेश्चन बन सकता है बट हमने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अब चलिए चलते हैं फोर्थ चैप्टर में ऑट टू ऑटम ठीक है ऑट टू ऑटम यानी इसके राइटर है जॉन किट्स ऑटम इज रिटन बाय जॉन किड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्वेंटी क्वेश्चन है ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूट फुलनेस जब आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऑटम सीजन है मेलो फ्रूट फुलनेस का पके हुए फल का देख सकते हैं ट्वेंटी वन जो क्वेश्चन है ठीक है द फ्रूट द फ्रूट रिपेन इन कब पकता है जी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर द फ्रूट रिपेन इन कब पकता है तो आपका ऑटम में पकता है क्योंकि इसमें ऑटम सीजन का क्या किया गया है प्रशंसा किया गया है ट्वेंटी वन में इसलिए ऑटम क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हु इज़ द विस्प्रिंग नेवर ये तो पिछला चैप्टर कहीं आ गया तो मैसेंजर ऑफ डेथ हो जाएगा ठीक है द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम इज़ जब आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर टू ऑटम क्लोज फ्रेंड ऑटम का कौन है तो सन है सन एंड ऑटम क्या है जी क्लोज फ्रेंड है किड्स इज अ रोमांटिक पोएट रोमांटिक पोएट है ठीक है ना किड्स क्या है रोमांटिक पोएट है नेक्स्ट देखिए हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द टू ऑटम तो सन एंड क्या हो जाएगा जी सन एंड ऑटम किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है ठीक uh, है ऑप्शन नंबर सी में सन एंड ऑटम नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी सिक्स एन एपी ताप से है ठीक है एन ए पी के राइटर कौन है जी तो वाल्टर डीला मेयर है कौन वाल्टर मेयर एन एपी ताप इज द पोएम ऑफ ठीक है किनका है तो इसका भी वाल्टर डीला मेयर हो जाएगा दोनों सेम ही क्वेश्चन है वाल्टर डीला मेयर इज कैसा पोएट है तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वाल्टर डीला मेयर ठीक है मॉडर्न पोइट है कैसा पोइट है जी तो मॉडर्न पोइट है ट्वेंटी नाइन द वर्ड क्रिएम्बल्स मीन्स क्रिएम्बल्स का मतलब क्रम्बल होना चाहिए ठीक है सी आर यू एम बी एल ई ठीक है इसमें क्रम्बल का मतलब क्या होता है डेथ होता है मृत्यु ठीक है ना मृत्यु होता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी एन एपी इज वर्क रेफर्स टू ठीक है तो किसको रेफर्स करता है जी तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब ठीक है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब ठीक मतलब लिखा हुआ लेख टॉम्ब पर व्हाट डज द पोएट एंड एपिता थिंक अबाउट ब्यूटी ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं जी इस चैप्टर में ए ऑप्शन है ब्यूटी इवन इफ वेरी रेयर इज बाउंड टू पेरिस है खराब हो जाना है बर्बाद हो जाना है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा अब बढ़ते हम लोग सोल्जर द सोल्जर जो रूपर्ट रु, ब्रुक द्वारा लिखा गया है ये इंग्लैंड के एक महान कवि में से एक है द हैंडसमेस्ट पर्सन ऑफ इंग्लैंड ठीक है चलिए सोल्जर इज रिटेन बाय द किसके द्वारा लिखा गया है रुपर्ट <coughs> ब्रुक के द्वारा ठीक है रुपर्ट ब्रुक विल बी द राइट आंसर द सोल्जर इज अ पोएम कैसा पोएम पोएम है जी तो वार पोएम है ठीक है ना वार पोएम इनको वार पोएट भी कहा जाता था थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रुपर्ट ब्रुक इज ऑल्सो कॉल्ड वार पोएट थर्टी फोर थर्टी फोर जो है द सोल्जर इज ए पोएम कैसा है जी सोनेट है फोर्टीन लाइन्स का जो पंक्ति होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं सोनेट ठीक है क्या बोलते हैं सोनेट बोलते हैं थर्टी फाइव वाट इज मींट बाई द फ्रेज ए पल्स इन द इटरनल माइंड देखिए ए पल्स इन द इटरनल माइंड का क्या अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये मेमोरी इन ए मेमोरी द रिमेन ए लिव फॉर एवर जो दिया हुआ है हमारा वहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए मेमोरी द रिमेन ए लिव फॉर एवर ठीक है ना यही हमारा क्या होता है मतलब होता है ए पल्स इन द इ्टरल माइंड ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग मैकविटी द मिस्ट्री कैट जिसके राइटर हैं टी एस इलियट मैकविटी कैट का नाम है और उसको राइटर क्या बताते हैं मिस्ट्री कैट रहस्यमयी बिल्ली ठीक है थर्टी uh, सिक्स का देखिए क्वेश्चन माइकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है जी तो टी एस इलियट यानी थॉमस स्टर्न इलियट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैकविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ हिडन पॉ इसको छुपारू स्तंभ यानी ये जब भी कुछ भी क्राइम करता था तो अपना पाँव जो है ना पंजे का निशान नहीं छोड़ता था इसीलिए इसको हीड पाओ कहा कहे हैं ठीक है इसलिए इसको क्या बोले हैं हीड पाओ ठीक अच्छा इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आ, हमने इसमें नहीं लिया है जैसे हु इज़ मैकविटी तो मैकविटी कौन है जी ऑप्शन था आपके लिए कैट ठीक है डॉग ए गर्ल ए बॉय तो आप ध्यान रखिएगा कि कैट का बात हो रहा है मैकविटी इज तो क्लेबर रनर जंपर और मिस्टीरियस ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्टीरियस रहसमयी बिल्ली था द टू थिंग्स विच मैकविटी ब्रेक्स आर ठीक है उसमें क्या कौन कौन नियम को तोड़ा था तो एक ह्यूमन्स ला को आप पढ़े होंगे ह्यूमन्स ला के साथ साथ आपका एक और नियम तोड़ा था ग्रेविटी के लॉ को भी ए, मतलब उसने तोड़ा था ठीक है द ग्रेट डिफिकल्टीज दैट मैकेविटी मैकेविटी क्या था एक जिंजर कैट टाइप का था जिंजर कैट टाइप का था ठीक है ना चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस माई ग्रैंड मदर हाउस चलिए तो सबसे पहले आप जानते हैं कि माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है कमला दास के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा पहला का कमला दास इज एन पोएटिस कहाँ के पोएटिस है जी कहाँ के कवि है तो हम लोग तो जानते ही हैं कि कमला दास जो हैं वो अपना भारत के पोएटिस है कवित्री है कवित्री कहिए क्योंकि ये क्या थी फीमेल कमला दास वेन कमला दास वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज टू लिटरेचर इनको कब शॉर्ट लिस्ट किया गया था लिटरेचर के लिए तो जब आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा कि इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था उन्नीस में यानी 1984 में 41 वन व्हाट हैपन टू दो द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइट मतलब क्या हुआ हाउस में मतलब ग्रैंड मदर मतलब के मरने के बाद द हाउस विथ ड्रो साइलेंस यही ऑप्शन सही है द हाउस विथ ड्रो इन इनटू लॉन्ड्री ये तो होगा नहीं यानी क्या हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मतलब जब दादी मर गई तो उसमें आप पढ़े होंगे कि साइलेंस रहता था कोई रहने वाला था नहीं फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन देखिए वाई वे द पोएट नॉट एबल टू रीड द बुक्स क्यों नहीं मतलब उस समय पोएट पोएटे एबल थी क्योंकि उनका एज काफ़ी क्या था बाबू कम था आप पढ़े होंगे चैप्टर तो बिकॉज शी वॉज टू यंग कमला दास दास पोएट्री इज प्राइमरली अबाउट किसके बारे में था जी शुरू में जब वो कविता लिखती थी तो अबाउट हर ऑन लाइफ एक्सपीरियंस ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ठीक है ना कमला दास रोट इन इंग्लिश एंड और किस में जी इंग्लिश के साथ साथ ये मलयालम भी लिखती थी लिखी ठीक है तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोएट्री के तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा दो लेसन जो बच गया है मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा चलिए आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत